नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। बजट पेश होने वाला है, बजट से उम्मीदें बहुत है, लेकिन इस बजट से किसकी बल्ले बल्ले होगी ये हम आपको दिखाएंगे इस खास प्रोग्राम। कम से कम 6-7 लाख रुपए तक आयकर में छूट या आम जनता को देनी चाहिए। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करे। यूं तो मोदी सरकार पिछले बजटों में आम जन से लेकर हर तबके के लिए कई घोषणाएं करती आई है, लेकिन 1 फरवरी को मोदी सरकार की ओर से अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। यूं तो ये अंतरिम बजट होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले पेश किया जा रहा है इस बजट में आम बजट जैसी लोक लुभावन वाली घोषणाएं देखने को मिल सकती है। इस बजट में आमजन को राहत मिल सकती है। टैक्स की सीमा 2.5 लाख की आय से बढ़ाकर 5 लाख तक करने की उम्मीद है, और साथ ही इस बजट में किसानों को भी केंद्र माना जा रहा है। बजट में किसानों के लिए कई घोषणाएं कर उन्हें राहत भी दी जा सकती है, और उसके साथ ही गरीबों को ध्यान में रखते हुए भी कई बड़ी घोषणाएं देखने को मिल सकती है। बेरोजगार को लेकर लगातार उठ रहे सवालों को विराम लगाने के लिए भी मोदी सरकार के इस बजट में कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं, और साथ ही महिलाओं को भी हर बार की तरह इस अंतरिम बजट में संबल मिल सकता है। तो 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होने जा रहा है, लेकिन बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के की बात अगर की जाए तो ये इनका आखिरी बजट है इस सत्र का, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन उम्मीदें क्या क्या है, चलिए हम वो आपको बताते हैं। मोदी सरकार के अंतरिम बजट से बड़ी उम्मीदें हैं आमजन को कि आखिर उनके लिए बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। आमजन को इनकम टैक्स में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में बदलाव की उम्मीद है कि ये किया जा सकता है। इनकम टैक्स स्लैब 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख हो सकता है, ये आमजन उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहीं मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर कई घोषणाएं हो सकती हैं जो मध्यम वर्ग के लिए हितकारी होंगे। अंतरिम बजट में खेती किसानी के लिए भी कई घोषणाएं हो सकती हैं, क्योंकि किसान है मुद्दा भी रहा है। किसानों को सरकार राहत पैकेज की सौगात दे सकती है। पर्सनल फाइनेंस स्पेस में भी बड़ी राहत की उम्मीद इस बजट से है जो 1 फरवरी को पेश होने जा रहा है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 75,000 रुपए तक यहां पर इस बजट में किया जा सकता है। वही हाउसिंग लोन की बात करें तो हाउसिंग लोन पर चुकाए ब्याज पर छूट सीमा में यहां पर बढ़ोतरी हो सकती है। ई कॉमर्स और आईटी सेक्टर को कर में राहत की उम्मीद यहां पर लगातार है। सोने पर आज शुल्क घटाकर 4% करने की भी यहां पर मांग की गई है। सरकारी जनरल बीमा कंपनियों को 4,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं इस बजट के बाद। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का बजट बढ़ने की भी यहां पर आस लगी हुई है, और बजट में मोदी सरकार महिलाओं के लिए भी बड़े ऐलान कर सकती है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भी यहां पर विस्तार किया जा सकता है, जिसका ऐलान इस बजट में हो सकता है, इसलिए भी लोग उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को लेकर कि इसमें विस्तार किया जा सकता है। तो ये वो उम्मीदें हैं जो आमजन कर रहा है कि इस बजट में जब 1 तारीख को पेश होगा तो ये राहत हो सकती है, ये निर्णय लिए जा सकते हैं मध्यम वर्ग के लिए, खासतौर पर किसानों के लिए। खासतौर पर साल 2019 का 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट में आम आदमी को काफी मान रहा है कि बजट घोषणा में आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक की जा सकती है। हालांकि कर विशेषज्ञ सरकार की राजस्व संग्रहण बढ़ोतरी दर को देखते हुए इससे सहमत नहीं है, फिर भी उम्मीद है कि बजट में कम ही सही आयकर में राहत जरूर मिलेगी। वहीं GST कानून में कर चुकाने और रिटर्न जमा कराने में आ रही दिक्कतों को दूर करने की पहल भी हो सकती है। GST में समस्याएं जो आ रही हैं वो दूर हो सकती हैं, इसलिए उम्मीद भी लगाई जा रही है कि इस बजट में कुछ घोषणा ऐसी हो सकती है। अगर ये बजट एज सच है, बजट 2019 है, तो हम डेफिनेटली कुछ लोक लुभावन चीज़ों की आशा तो रख सकते हैं, लेकिन अब सरकार के रिसोर्सेज पे भी हमें खुद को ध्यान देना पड़ेगा। तो कोई टैक्सेशन में बहुत अधिक रिलैक्सेशन की मुझे आशा नहीं है। ये ज़रूर माना जा रहा है कि जो कुछ जरूरत से ज़्यादा कठिन प्रोविजंस हैं, जैसे बेनामी एक्ट वगैरह, इनमें इनका भी इंटरप्रिटेशन शुरू ही नहीं हुआ, तो संभवतः ये चीज़ें मार्केट को डिसवेट कर रही हैं नई चीज़ें करने को। तो इन सारे क्षेत्रों में कुछ ना कुछ ऐसे बदलाव लाए जा सकते हैं जिनका शायद मौद्रिक प्रभाव नहीं पड़े, जिनकी आपकी पॉकेट पर असर नहीं पड़े, लेकिन बिजनेस एक्टिविटी थोड़ी सी इससे इम्प्रूव हो जाएगी। हम ये मानते हैं कि सरकार को अपने जो भी वादे हैं, जो भी घोषणाएं हैं, इस बजट में करनी है। तो घोषणा के रूप में केंद्र सरकार ये कह सकती है कि GST कानून में हम कुछ परिवर्तन करना चाहेंगे, और जो परिवर्तन मुख्यतः मैं मानता हूँ कि केंद्र सरकार करना चाहती है वो ये है
कि व्यापारियों को आम राहत पहुंचाएगी, जो लेट फी जो उन्होंने वसूल करी गई है लेट रिटर्न्स आदि पर, उसको वो कैश रजिस्टर में वापस से क्रेडिट करेगी। इसके अलावा एक बहुत बड़ी मांग है व्यापारियों की कि टैक्स ऑडिट की लिमिट बढ़ा के 2 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ की जानी चाहिए, उसको केंद्र सरकार निश्चित रूप से कंसिडर करेगी। मोदी सरकार के सत्ता संभालने के साथ में ही आयकर छूट की सीमा को बढ़ाए जाने की चर्चाएं चलती रही। चूंकि ये मोदी सरकार का अंतरिम बजट है, अतः उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया जाए। देखने वाली बात यह है कि अंतरिम बजट घोषणाओं में करदाताओं की ये उम्मीद कितनी पूरी होती है। कैमरा पर्सन पवन के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। चुनावी साल के केंद्रीय अंतरिम बजट से न केवल आमजन को बल्कि कर्मचारियों को भी खासी उम्मीदें हैं। केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों में बजट को लेकर उत्साह है और इस सरकार का आखिरी बजट होने के चलते कर्मचारी वर्ग को कई तोहफे मिलने की भी उम्मीद है। हमारे संवाददाता ऋतुराज शर्मा ने कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों से खास बातचीत। केंद्र का बजट आने वाला है और इसे लेकर कर्मचारियों में अलग आशा है, उत्साह है, और चूंकि ये इस सरकार का आखिरी बजट है इससे लेकर ज़्यादा आशाएं या महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं कर्मचारियों की। हमारे पास कुछ और कर्मचारी हैं, उनसे बातचीत की कोशिश करेंगे। क्या आपको उम्मीदें नज़र आती हैं? हम ये चाहते हैं माननीय वित्त मंत्री से, प्रधानमंत्री महोदय से, कि हमारी आय की सीमा है उसको 5 लाख रुपये किया जाए। क्या एनपीएस को लेकर आपकी कोई मांग है? देखिए सर, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है एनपीएस का। इसमें बहुत से पूरे ऑल इंडिया के जो कर्मचारी 2004 के बाद में नियुक्त हुए हैं उनकी सबसे प्रमुख मांग है ये, और कर्मचारी इसको लेकर बड़ा आंदोलनरत भी है और काफ़ी समय से इस चीज़ को मांग को लेकर कर्मचारी मिल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं एक उच्च स्तर पर। पूरे ये स्टेट की नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया का मामला है। तो हमारे सभी कर्मचारियों की मुख्य मांग ये है कि इस बजट में अगर एनपीएस को बंद करके हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम को शुरू किया जाए तो सबसे बड़ा फायदा कर्मचारियों को होगा और इसका फायदा केंद्र सरकार को भी होगा। एक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं की वृद्धि हमेशा से मांग रही है, कर्मचारियों से बात करना चाहेंगे इस बारे में, जो मेडिकल पुनर्भरण का है उसका दायरा किस तरह से बढ़ सकता है, आपको क्या उम्मीद है? देखो इस बार उम्मीद है कि सेंटर में, मान लो कि जो नया बजट आ रहा है चुनावी वर्ष है, तो इसमें अगर गवर्नमेंट कुछ दे सकती है कि पुरानी जो मेडिकल सुविधा थी उसको पुनः लागू किया जा सकता है, दूसरा जो न्यू पेंशन स्कीम है इसको समाप्त करके उसकी भी घोषणा की जा सकती है कि मतलब नई ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों को लागू की जाए, इसके संबंध में ये सुप्रीम कोर्ट में भी मुद्दा चल रहा था तो उसमें भी डिसीजन दिया है कर्मचारियों के पक्ष में कि नई पुरानी स्कीम है वो मिलनी चाहिए। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। केंद्र का आम बजट आने वाला है और हमारे साथ इस बारे में चर्चा के लिए क्या उम्मीदें हैं, क्या आशाएं हैं इसे लेकर केंद्र के जो कर्मचारी हैं वे हैं। सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि क्या आपको उम्मीदें हैं केंद्र के बजट को लेकर? हाँ, केंद्र के बजट से हमें उम्मीद है सरकारी कर्मचारियों के लिए। केंद्र सरकार इस बजट में बहुत सारी रियायतें दे सकती है, जैसे कि केंद्र के जो आयकर की रेटें हैं उन्होंने जो संशोधित करके कम से कम 5 लाख तक फ्री और 5 से 10 लाख तक की कम से कम मैक्सिमम है जो 10% से ज़्यादा रेट नहीं होनी चाहिए टैक्स की, क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की दोहरी मार होती है या सरकारी कर्मचारियों की सबकी दोहरी मार होती है। इनकम के साथ आयकर का जो टैक्स लिया जाता है उसी के साथ हर खर्चे के साथ है ना जो सर्विस टैक्स या GST आजकल लगता है, तो हर आदमी की तनख्वाह में से कम 2 महीने की तनख्वाह उसकी टैक्स में ही चली जाती है। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए और है ना जो इसमें एक राहत प्रदान करें। पेंशन में जो अभी दी हुई है जैसे पुरानी पेंशन स्कीम है उसको ही लागू करने के लिए आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश कर दिए हैं कि नई जो पेंशन योजना उसको ख़त्म करके और पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए, तो इससे एक बहुत बढ़िया जो है कर्मचारियों को सुविधा मिलेगी और इसमें आम आदेश यदि जारी कर दिए जाएँ DOPT से तो ये एक सुविधाजनक रहेगा लोगों के लिए। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। केंद्र सरकार 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। केंद्र और राज्य कर्मचारियों को इस बजट से खासी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि आयकर छूट के दायरे को बढ़ाया जा सकता है और साथ ही पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाना चाहिए, निजी कारण को बंद कर युवाओं को रोजगार दिए जाने चाहिए, ये उम्मीद की जा रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकारी क्षेत्र में चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इस क्षेत्र में जितने भी पद खाली पड़े हैं उनको भरने की योजना इसमें कुछ
बनाने की बात करने की उम्मीद हम लोग करते हैं। इसके साथ ही सातवें वेतन आयोग की जो हमारी डिमांड्स हैं कि न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में सुधार की बात सरकार इसमें ज़रूर करेगी। और एक जो सबसे बड़ा आंदोलन इस देश में चल रहा है, 1/1/2004 के बाद जो कर्मचारी भर्ती हुए हैं उनको पुरानी पेंशन स्कीम से ही जोड़ने के बारे में सरकार कुछ करेगी। साथ ही जो केंद्रीय कर्मचारी जितने भी हैं और आयकर दाता हैं उनको भी राहत देने का काम करेगी। 5 लाख रुपए तक हम उम्मीद करते हैं कि कोई कर नहीं होगा। आम बजट को लेकर सर हमें रेलवे के विशेष तौर पर से जो कारखाने हैं उनमें काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि रेलवे के जो कारखाने हैं वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं और पिछले समय में रेलवे का जो हमारे यहाँ कैरिज वर्कशॉप है उसको इंडिया के लेवल पे पहला अच्छा कारखाने का पुरस्कार मिला था। और ये कारखाने जो काम कर रहे हैं हम तो ये मानते हैं कि इनको प्रोडक्शन यूनिट के रूप में देखते हुए गवर्नमेंट को इसमें कुछ और अच्छा फंड उपलब्ध कराना चाहिए। और सरकार को कम से कम मजदूरों को तो 18,000 रुपये वेतनमान करना ही चाहिए। 18,000 के मैं इस महंगाई के अंदर वो अपना एक मजदूर सड़क पर जो काम करने वाला है या फैक्ट्री के अंदर काम करने वाला है परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता। और आगे जो सरकार निजीकरण की नीतियाँ लेने जा रही है वो देश के लिए बहुत दूरगामी और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो केंद्र सरकार बजट पेश करने जा रही है उसमें हम उम्मीद करते हैं कि कर्मचारियों को जो आयकर का जो छूट सीमा है उसको 8 लाख रुपये तक किया जाए। दूसरा NPS का को समाप्त करके और पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। हमारे देश की जनता और युवा पीढ़ी जो कि हमारी 70% युवा पीढ़ी है भारत सरकार की जनता की, उनके लिए विशेष तौर से रोजगार, तो रोजगार के लिए जब तक ये रोजगार के साधन नहीं जुटाएंगे और उसका कारण है कि निजीकरण कम और सार्वजनिक उपक्रमों को बढ़ावा, उद्योगों को बढ़ावा, कि जो निजीकरण करे जा रहे हैं ना वो निजीकरण को बंद कर दिया जाए, उससे रोजगार के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आज आप देखिए कि अगर सरकारी नौकरी मिलती है ना तो सरकारी नौकरी मिलती है तो श्योरिटी होती है कि आदमी को पीछे पेंशन मिलेगी और उसका परिवार पल जाएगा। क्योंकि देखो किसी को पता नहीं है कि सुबह उठते हैं तो क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। इसलिए हमारी डिमांड ये भी है कि इस निजीकरण को ख़त्म कर दिया जाए। निश्चित तौर पर जब चुनाव से पूर्व का बजट होता है तो आम जनता को साथ ही सरकार के कर्मचारियों को भी उम्मीद रहती है कि इस बार सरकार कुछ लोकभावना बजट पेश करने का काम करेगी। और जैसा पिछले 4 वर्षों में आयकर में ज़्यादा छूट नहीं मिलने का काम हुआ है तो सरकारी कर्मचारी इस उम्मीद में बैठे हैं कि आयकर में छूट 5 लाख तक की होनी चाहिए और उसके बाद में 10 लाख तक 10% और उसके बाद 20% और 30% की स्लैब होनी चाहिए। तो बजट से किसके बल्ले बल्ले होने वाली है, 1 तारीख को तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर बजट में किसे क्या मिलता है। लेकिन उम्मीद यहां पर लोग लगाए बैठे हैं और क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। कम से कम 6-7 लाख रुपए तक आयकर में छूट या आम जनता को देनी चाहिए। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करे। तेजी से बढ़ती जा रही है कि
6-7 लाख रुपए तक आयकर में छूट या आम जनता को देनी चाहिए। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करे। तेजी से बढ़ती जा रही है कि एक गृहिणी को एक घर संभालने में बहुत मुश्किल है। केंद्रीय बजट 2019 से प्रदेश के युवाओं को भी खासी उम्मीदें हैं। युवाओं को नए रोजगार सृजन को लेकर घोषणाएं होने की आस यहां पर लगी है। युवाओं का कहना है कि सरकारी क्षेत्र में रोजगार के नवीन अवसरों का ज्यादा से ज्यादा सृजन किया जाए। सरकार की ओर से बेरोजगारी से निजात दिलाने के लिए प्रभावी और ठोस उपाय उठाए जाएंगे। बजट को लेकर फर्स्ट इंडिया ने युवाओं से खास बातचीत। युवा वर्ग की पहली उम्मीद एक विद्यार्थी के रूप में है, इसमें उच्च शिक्षा के अवसरों का विस्तार, उच्च शिक्षा के अवसरों के विस्तार के साथ सभी को उच्च शिक्षा तक आसान पहुंच एवं प्रत्येक रिमोट एरियाज तक भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को अच्छी तरह से सुलभ अवसर उपलब्ध कराना। और अगर एक रोजगार सृजन की दृष्टि से देखें तो इस बजट से न केवल विद्यार्थियों को अपितु युवा वर्ग को और पूरे देश के नागरिकों को ये विशेष उम्मीद है कि इसमें सरकारी क्षेत्र व निजी क्षेत्र दोनों में एक विशेष प्रकार से रोजगार सृजन का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाएगा। देश के अंदर सबसे बड़ा रोजगार नहीं मिलने का कारण है कि विद्यार्थी पूरी डिग्री करने के बाद भी जॉब के लिए इधर उधर भटकता रहता है। तो मैं सरकार से यही विनती करता हूँ या आग्रह करता हूँ कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उनको रोजगार उपलब्ध कराए। सरकार से ये दरखास्त है कि नए बजट में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करे, चाहे निजी हो चाहे सरकारी हो, लेकिन जल्दी से जल्दी इससे समाधान मिले। हम सरकार से यही आशा करते हैं कि सरकार चुनावी समय में बहुत सारी भर्तियां तो निकाल देती है, लेकिन सरकार उनको समय पे पूर्ण रूप से उनको पूरा नहीं कर पाती। इससे क्या वो भर्तियाँ या तो अटकी रहती है या फिर ये कोर्ट केस में फंसी होती है। तो मैं सरकार से यही आशा करता हूँ कि भर्तियों का जो समय है वो निर्धारित समय में पूरा मापदंड के अनुसार पूरा हो और जल्दी से जल्दी युवाओं को बेरोजगारी से राहत प्रदान करे। बजट को लेकर इस बार आम आदमी के साथ साथ किसानों की उम्मीदें भी बढ़ी हुई हैं। वजह है कि देश में किसानों के मुद्दे मुखर हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज संवाददाता लक्ष्मण राघव ने किसानों की राय जानी। दरअसल बीकानेर संभाग में सबसे ज्यादा पैदावार मूंगफली की होती है। कहा जाता है गरीबों का ये काजू है, और जब बात अंतरिम बजट की चल रही हो तो निश्चित तौर पर वो तमाम उम्मीदें और बढ़ जाती हैं जो सीधे तौर पर किसानों से जुड़ी हैं। इस वक्त मैं मंडी में हूँ, हमारे साथ जीन्स एक्सपर्ट हैं पुखराज चोपड़ा, इसके अलावा आम किसान हैं, कुछ मजदूर हैं जो सीधे तौर पर कृषि पर निर्भर हैं। सबसे पहले हम जो है किसान जो अपनी मूँगफली लेके आए उनसे हम बात करते हैं। मोदी जी से उम्मीद है कुछ? कर्ज माफी है। कर्ज माफी की उम्मीद है, कुछ और लोग हैं युवा लग रहे हैं, आपको क्या लगता है जो बजट आएगा क्या चीज़ें होनी चाहिए इस बजट में? किसानों के लिए विशेष और होनी चाहिए। किसानों के लिए क्या क्या? जैसे भाव मिलना चाहिए और सरकारी तुलाई समय पे होनी चाहिए, पेमेंट समय पे आना चाहिए। देखिए, ये वो लोग हैं जो सीधे तौर पर बहुत ज़्यादा एक तरह से कहिए बजट को नहीं समझते, पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि बजट में कुछ ऐसे उपाय हों जिससे किसानों को लाभ हो। एक और शख्स हैं, हम उनसे बात करेंगे। मोदी सरकार किसानों के लिए कहा गया था आमदनी दुगनी हो जाएगी, इस बार कितनी उम्मीद है क्योंकि चुनावी साल है? उम्मीद तो है, देखो क्या करें, उम्मीद है, कह रहे हैं कि दुगनी करेंगे, कर दे तो बहुत बढ़िया है। मुझे तो संभावना लगती है कि किसानों को मंथली 1,000 रुपये किसान परिवार को ये वो सहायता राशि प्रदान करेंगे, साल के 12,000 रुपये प्रति किसान, एक तो ये होगा। दूसरा ये होगा कि जो सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए बजट रखा जाएगा ताकि किसानों को लाभ मिले। तीसरा जो फसल बीमा योजना है उसकी राशि है वो बढ़ाई जाएगी, लगभग 1.5 गुना कर दी जाएगी मुझे ऐसा लगता है। और तीसरा ये है कि सीधे सीधे किसानों से जुड़ने के लिए, किसानों की बेटियों को, किसानों की बच्चों को पढ़ाई के लिए, किसानों की हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, इस तरह की योजनाएं भी सरकार ला सकती है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर। केंद्र की मोदी सरकार के 2019 के अंतरिम बजट को लेकर व्यापारी वर्ग को भी काफी आशाएं हैं। व्यापारिक वर्ग की बजट से उम्मीदों को लेकर विभिन्न व्यवसायों से जुड़े व्यापारियों से बातचीत की हमारे उदयपुर संवाददाता रवि शर्मा।
केंद्र की मोदी सरकार लोकसभा चुनावों से पहले अपना अंतरिम बजट पेश करने वाली है। जाहिर सी बात है, हर वर्ग को इस बजट से खासी आशाएं होंगी, लेकिन खासकर व्यापार और व्यापारी वर्ग जो है वो पूरी आशाओं के साथ इस अंतरिम बजट को देख रहा है कि वो जो बजट आए वो उनके लिए राहत भरा हो। क्या सोच है, क्या डिमांड है, किस तरह का व्यापारी वर्ग की अपेक्षाएं हैं, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में कुछ व्यापारी। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह का आप भाव रखते हैं, किस तरह की कामना रखते हैं, कैसा बजट? क्योंकि ये छोटे व्यापारियों के लिए जो GST का हर महीने जो रिटर्न पेश करने का है वो हटाया जाए और साल में एक बार ही रिटर्न पेश करने का हुआ है तो उससे बहुत राहत मिलेगी। नहीं तो हर 20 तारीख के पहले दिमाग में टेंशन रहता है, रिटर्न भरना, नहीं तो फिर पेनाल्टी होती है और वो बहुत ज़्यादा है। आप क्या सोचते हैं, ये मोदी सरकार का अंतरिम बजट है तो किस तरह का हो बजट, क्या राहत जो है या क्या चीज़ें और आपको चाहिए? इस बजट जो विगत बजट था और जो कानून GST के रूप में व्यापारियों के ऊपर लगाए गए, व्यापारियों में एक निराशा का भाव जागृत हो गया। इस बजट में कम से कम सरकार यह करे कि निराशा का भाव लोगों से मन से हटे और वो स्वच्छंद रूप से अपना व्यापार कर सके। तो उदयपुर के व्यापारी क्या सोचते हैं, क्या उम्मीदें लगाए बैठे वो आपने सुना। इधर केंद्रीय बजट को लेकर भरतपुर के लोगों में भी उत्साह बना हुआ है। लोगों को उम्मीद है कि आमजन के लिए ये बजट राहत लेकर आएगा। लोगों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मनोज शर्मा। केंद्र का बजट आने वाला है जिसकी तैयारियों को लेकर सरकार जुटी हुई है, तो वही आम आदमी, महिला और डॉक्टर्स क्या चाहते हैं उसकी नबज टटोलने के लिए हमारे साथ एक गृहिणी है जो घर चलाती है, उनसे जानते हैं कि बजट में एक आम महिला को क्या आवश्यकता रहती है। एक महिला को चाहिए कि वो अभी जो आने वाला बजट, जिससे कि वो अपने घर को अच्छे से चला सके। अभी जो सिलेंडर इतना महंगा हो रहा है, अभी सब्जियों के दाम, घरेलू सामान। हमारे साथ डॉक्टर भी हैं, आपसे जानना चाहते हैं चिकित्सा व्यवस्थाओं में क्या बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए। देखिए, वैसे तो माननीय गहलोत साहब की सरकार पहले से ही गरीब को गणेश की सेवा देते हुए उन्होंने सारी ये निःशुल्क दवाई की योजना, सारे काफ़ी योजना जन बजट से हम ये चाहते हैं जो भी जीवन रक्षक दवाइयां हैं। इधर केंद्रीय बजट से कोचिंग सिटी कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स को भी काफी उम्मीदें हैं। बजट पर हमारे संवाददाता भंवर चारण ने टटोला विद्यार्थियों का मन। कोचिंग सिटी कोटा यानी कि पढ़ने पढ़ाने वालों का शहर, देश के भावी इंजीनियर और देश के भावी डॉक्टर तैयार करने वाला शहर। और हम इस वक्त मौजूद हैं कोटा शहर के कुन्हड़ी कोचिंग इलाके में और जानने की कोशिश करते हैं कि केंद्रीय बजट के आने से पहले कोटा के जो कोचिंग छात्र हैं वो इस बजट को लेकर क्या कुछ सोचते हैं और क्या कुछ उनकी आशाएँ और अपेक्षाएँ इस यूनियन बजट से हैं। कुछ बच्चों के रिएक्शन आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बजट केंद्र सरकार पेश करने वाली है, कोटा के कोचिंग छात्र इस बजट में क्या तलाश कर रहे हैं? जी, हम तलाश कर रहे हैं कि जो इनकम टैक्स है वो कम होना चाहिए और सीट्स बढ़नी चाहिए मेडिकल में, ताकि कंपटीशन कम हो और जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उन पे प्रेशर कम हो। तो मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ हैं वहाँ से बहुत सारे कोचिंग के छात्र आते हैं, उन पर दबाव कुछ कम हो, ऐसी कुछ नीतियाँ बजट में आए। आप कहाँ से हैं? जी, मैं जम्मू से हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस वर्ष से नए कॉलेज खोले जाएँ, मतलब एम्स के और ज़्यादा कॉलेज खोले जाएँ। कुछ कॉलेज खोले भी जा रहे हैं एम्स के, तो उनका काम थोड़ा जल्दी हो कि मतलब हमारे जम्मू में दो कॉलेज खोले जा रहे हैं, एम्स जम्मू और एम्स। और चलिए इसी के साथ हमारे खास पेशकश में बस इतना ही। आगे आप देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार। कम से कम